डेंटल इम्प्लांट का मतलब है दांतों का प्रत्यारोपण। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दांतों की जड़ों को मेटल के साथ लगाया जाता है। इसमें डैमेज दांत या टूटे हुए दांत को हटाकर डेंटिस्ट आर्टिफिशियल दांतों को स्क्रू के साथ लगाते हैं। ये आर्टिफिशियल दांत दिखने में असली दांतों की तरह होते हैं। टूथ इम्प्लांट तीन तरह के किए जाते हैं। फर्स्ट, सिंगल डेंटल इम्प्लांट। इसमें आर्टिफिशियल दांत के जड़ को इम्प्लांट किया जाता है, जिसमें डेंटिस्ट जबड़े की हड्डी में सावधानीपूर्वक थोड़ा सा छेद करते हैं। इसके बाद टाइटेनियम का बना हुआ स्क्रू जबड़े की हड्डियों में फिट किया जाता है। जैसे जैसे जबड़े की हड्डियों में बने घाव भरते जाते हैं, वैसे वैसे दांतों में मजबूती आ जाती है। इस प्रक्रिया को होने में लगभग 6 से 12 हफ्ते लगते हैं। जबड़े में स्क्रू को इम्प्लांट करने के बाद एक छोटा सा कनेक्टर लगाया जाता है, जिसे अबटमेंट कहा जाता है। अबटमेंट के मदद से आर्टिफिशियल दांत को जोड़ा जाता है, ताकि दोनों के बीच में गैप ना रह जाए। इस आर्टिफिशियल दांत को क्राउन कहते हैं। सेकेंड, डेंटल ब्रिज इम्प्लांट। यह सिंगल डेंटल इम्प्लांट की भांति ही होता है। इसके आसपास के दांतों को छिलकर उसमें टूथ ब्रिज को इम्प्लांट किया जाता है। आमतौर पर टूथ ब्रिज में आपके लापता दांत के दोनों ओर दो क्राउन होते हैं, जिसके बीच में आर्टिफिशियल दांत होते हैं। थर्ड, रिटेंड डेंचर इम्प्लांट। डेंचर दांतों की एक पूरी सेट का विन्यास होता है। यह आपकी मसूड़ों पर टिका होता है और दांतों के पूरे सेट का रूप देता है। पारंपरिक डेंचर के साथ समस्या यह है कि वे हटाने योग्य होते हैं, मतलब वे फिसल सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं या गिर सकते हैं, खाने या बात करने जैसे दैनिक कार्यों को असहज कर सकते हैं। इस समस्या को ठीक करने के लिए आप अपने डेंचर को डेंटल इम्प्लांट से स्थायी रूप से सुरक्षित कर सकते हैं।